गुफा तो महाभारत के टाइम की सरोजनी नगर निशा मैम क्यों ना मैं आपका अपना आयुष को फिर से नए नमस्ते सभी को, मैं आपका अपना आयुष कोहली आज एक फिर से नए ब्लॉग के साथ। तो दिन खत्म कर दिया था मैंने सुबह रूम टूर दिखाने के बाद, अब फटाफट तैयार हो गए। 3 बजे का असेंबलिंग टाइम है, नीचे 3 बजे असेंबल होना टाइम हो रहा है। अभी 3 बज गए हैं, 5 मिनट रह गए हैं 3 बजने में, तो फटाफट नीचे चलते हैं और नीचे असेंबल होते हैं। और ये सारे भी रेडी हैं ऑलमोस्ट, बस शूज डालने हैं और नीचे चल के फिर हम चलते हैं मॉल रोड और ऊपर जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल। होटल से नीचे हैं अभी तो ऊपर जा रहे हैं। अबे होटल से तो नीचे ही जा रहे हैं, अभी तो ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे। ऊपर क्यों जाना है? और लोगों के पास। हाँ ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं बाकियों के पास, वहाँ देखते हैं वो तैयार हुए हैं, फिर उनके साथ ही नीचे असेंबलिंग पॉइंट चलते हैं। और फिर नहीं हुए तो वेट करनी पड़ेगी। बेल्ट नहीं है? हाँ बेल्ट नहीं है। भाई बेल्ट भूल गए हैं तो हमने आइडिया दिया कि भाई नाड़ा बांध लो किसी से मांग के। मिला नाड़ा? ये कट कर देना ठीक है। बट चलते हैं। चलो सर बोल रहे हैं कि बच्चे शॉर्ट्स ऐसे ऐसे एक दो रिकॉर्ड कर लेना जो कॉलेज में ना वीडियो वीडियो बनाने के काम आए और बता सके कि हाँ हम ट्रिप पे गए हैं। तो भाई ये बंदा कहता है सर को कि नहीं, इसने कुछ नहीं कहा सर बता रहे सर को ना, मैं ऐसे सर पे मत्थे पे ऐसे ना माइक ऐसे पकड़ के फ्लैश ऑन है सर के चश्मे पूरे लाइट आ रही है मत्थे में। और सर तो बच्चे ऐसे वीडियो बना लेना और वो कर लेना ताकि कॉलेज में बता सके, वीडियो बना के ट्रेलर दे सके ट्रिप गया था। और ये कह रहा है सर के सामने मुंह पे ही हूँ, इसे कट कर देना। ये ना फोल्ड रखा था पूरा, मैंने फोड़ दिया, चिप गिर गई नीचे। रेडी ऊपर चल के बाकी को तो मिले। अच्छा नीचे वो बैठ गए, नीचे आ गई। चल ठीक है। और ये किसने चिप्स गिर रखे हैं? अच्छा यही कांड करा है इसने भाई, सीढ़ियों में पूरे चिप्स गिर रखे हैं। कहाँ गए सारे? रेडी रेडी हो भाई? ओए बेबे रेडी रेडी रेडी। यार कितनी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा रखी है राज, क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बंदों को स्ट्रॉन्ग, राज का है ये स्ट्रॉन्ग बंदों को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, तो इसको क्या लगाऊं? मेरा नहीं है। कह रहा स्ट्रॉन्ग बंदों को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, तो तेरे को क्या लगाऊं? तू स्ट्रॉन्ग है बेटे, आईफोन को ऐसे करके तोड़ देते हैं हम। हां तू कर ले, तू रॉक है ना। मेरा बहुत लाइट है क्या परफ्यूम इडियट। ये देख इसने जो कांड करा है साहिल ने। तो दोस्तों जहां हमारे कॉलेज वाले पहुंचे हैं, रात में मैट्रेस के साथ मिलने वाले हैं लेस के चिप्स। एक भैया है भाई, देख के एक भैया है भाई, उन्होंने बोला एक सेकंड सारे बीच में आगे जा रही थी। नीचे सारे सैंपल हो गए, हम लेट चल रहे हैं। कोई भी नहीं असेंबल हुआ यार अभी तो, मैंने तो खड़ा था वो। हम सबसे पहले पहुंच रखे, टीचर तक नहीं पहुंचे अभी तो। अभी टाइम लगेगा यार, 3 बजे बोला था यार। जेबी सर मैम जाना कहाँ है? पिंकी मैम है। कौन सी मैम? निशा मैम। पिंकी कहाँ से आ गई? वो पिंकी मैम है। पिंकी कौन है? पिंकी मैम वो आई है नहीं, वो पिंकी मैम क्या नाम है मैम का? अरे पिंकी मैम यार, पिंकी क्या रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ आपको नाम नहीं बुला, तो आपको गुल्लू भैया बुला रहे। ठीक है ट्रिप पे आए हो लेकिन इतने भी प्रैंक में तो बाकी सारे तो मॉल रोड होता है, तो क्या था कि नहीं मॉल रोड होता है
मतलब वो कहता भाई कहता कि नहीं पहाड़ी वाले बोलते हैं माल रोड, पहाड़ी माल रोड। ये क्या सा मतलब हुआ? वैसे माल रोड होता है माल रोड, वही जाके पूछना पड़ेगा किसी से, पूछना पड़ेगा। आ गए भाई पार्टी लोग, भाई तू पिछले 4 घंटे से वॉलेट हमारे रूम में छोड़ के बैठा हुआ है यार। एक जाट की सीट तो मैं दिखा रहा हूं, क्वालिटी में से थोड़ा मजा आ रहा है सर। क्या बात है, सारे बच्चे आ रखे हैं, टीचर वीचर कहां है? फोन करो निशा का, एंजॉय करने दे यार फैमिली के साथ। अच्छा फैमिली साथ आ रखे हैं सर, आपनी लाइफ फैमिली हमारी फैमिली एक महीने से एंजॉय करे, मैं बर्तन धो रहा हूं और अब गाना भी नहीं गा रहे आप आजकल, होगी फोटो हमें इससे उम्मीद छोड़ दो, कुछ भी बोल देता है, कहीं भी कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी डालेगा। गुल्लू भैया बोलते हैं आयुष कोहली जी, तो सर को मैंने बोल दिया मुंह पे सर, आप सर को कहता सर आपको गुल्लू भैया बोल दो। इसे तो सीनियर है, फर्स्ट ईयर वाले बोलते हैं सर। बुराई है बताओ, अगर सर मुंह पे नहीं चढ़ रहा अब भैया बोला सकते हैं ना, उम्र में कम लगता है वो तो है भी कम, पता नहीं भैया की उम्र के हैं नहीं, बट एक प्रोफेशनल कर्टेसी होती है। प्रोफेशनल कर्टेसी तो होती है, प्रोफेसर ना हमारे वो तो है, लेकिन ये जो तुम सर के सामने कर रहे हो ना सब समझ आ रहा है मेरे को, हम क्या कर रहे हैं यार, हम रुके क्यों है भाई, टीचरों की वेट कर रहे हैं मालूम कर काम करें, चक्कर मार गए थोड़ा सा, कह तो रहे हो कुछ नहीं है सबको नीचे सर, आप करो ना फोन, आपका दबदबा है, हमारा तो पूरा ग्रुप आ गया, बाकी पता नहीं। हां सर हमारा तो पूरा आ गया, हम तो सब आ रखे हो, देखो लाले ये प्यारे प्यारे पहाड़ी कुत्ते माउंटेन डॉग्स। चलो भाई फटाफट अपना टूर एंड ट्रेवल में चढ़े, क्योंकि मॉल रोड टाइम से पहुंचे, टाइम से कुछ खाए, कुछ खाया नहीं हुआ, लंच नहीं करा हुआ, सिर्फ ब्रेकफास्ट करा हुआ, फटाफट चलते हैं। हेलो भाई, ये लगता है सुपरस्टार पूरा, मेरी अगली वाली बस है, मैं इधर क्यों आ गया। फाइनली आलसी वाले बंदे सामने आ रहे हैं, वो आ रहा, आलसी है यार ये बहुत, मैंने देखा वैसे, हम देख कैसे शू ठा पहुंच गए ऊपर। इस आलस को वो रिच शब्दों में कहते हैं एक्सप्लोर, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ पेड़ तो देखे ही नहीं, फोटो खींच रहे हैं पेड़ की, आ गया आलसी। मैं नहीं, वो दूसरा आलसी था मैं नाम आपका आ गया, ये देखो आ गया आलसी नंबर टू, नंबर वन ही है वो, मैं फोन लगे कर रहा, मेरी गलती क्या? नहीं भाई आ जाते यार, कितना आलसी है भाई, कितना स्लो आता है। तुम किस फालतू में किस तेजी में जा रहे हो? अरे टेंपल देखेंगे ना भाई, भाई ये भी तो देख यार, रोज ही क्या देखना है, ये तो एक्सप्लोर कर ही लिया, चलो टेंपल आओ, चलो आओ जल्दी, रास्ता पता है? हाँ यही है सामने ना टेंपल, लाइन है अंदर एंट्री की, ओह माय गॉड इतनी बड़ी लाइन है अंदर एंट्री की, देखते हैं अगर लाइन में लगते हैं तो। बाकी ये है हिडिंबा टेंपल, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अरे भैया नहीं, भाई कितना आलस है भाई, बहुत ज्यादा मिलेगा, नहीं यार लाइन बहुत लंबी है, ओह माय गॉड लुक एट दिस। तो यार मम्मी कहाँ है वो दूसरा आलसी, कितना आलस, अरे आलसी को एनर्जी दे रहा था मैं, आलसी को एनर्जी दे रहा था मैं, खुद सबसे बड़ा आलसी है तू। फिर से देखो यहाँ लोग बबल उड़ा रहे हैं, कहाँ गया डिस्कशन? Yeah, fine. So, yeah, in favor of going to Mandir? Yes. We are already at Mandir, but the problem is line is very big.
Yeah, and we have timeless. The queue is yes. Long. Yeah. And we have to go to Mall Road also. To eat. Pahadi Mall Road. Yeah, yeah, to explore and eat. As per told by receptionist. Receptionist? No, no. Two guides. Okay. Two guides. फिर फाइनली हम अंदर चल रहे हैं आफ्टर मच सेलिब्रेशन वी डिसाइडेड टू गो इनसाइड टू पे आवर रिस्पेक्ट्स लेट्स गो हेलो चलो भाई उत्ता उत्ता टेक लिया प्रसाद वरसाद खा लिया और उन्होंने अंदर बताया कि जो मंदिर है ये 450 साल पुराना बना है बाहर से और जो अंदर गुफा है वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी बाहर बाहर अलाउड है तो वो गुफा महाभारत के टाइम की है और जो ये प्लैंक्स बनाए गए ना स्ट्रक्चर जो देखे हाँ, ना ये 2012 में लगाए हैं सेफ्टी के लिए कौन से ये जो ऊपर का देख रहे हैं 2012 में ये वाले स्ट्रक्चर या अभी बने ये 2012 में बने जो गुफा है वो बाकी वो ये डोम 450 साल पहले बन गया था और गुफा तो महाभारत के टाइम की है भीम की वाइफ हाँ भीम की वाइफ है उनका मंदिर उनका बेटा घटोत्कच उनका मंदिर है बाकी अगर मेरी कोई गलती हो रही हो प्रोनंसिएशन में किसी भी टाइप की तो माफ करना हेट मत देना वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना कमेंट कर देना सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना बाकी आगे देखते हैं अब क्या होता है मॉल रोड चलने का सीन बन रहा है देखते हैं कैसा रहता है हडिम्बा टेम्पल तो देख लिया और चढ़ाई कर करके अब आगे आ रहे हैं आगे एक मार्केट बनी हुई है जो कि उन्होंने बोला छोटी सी थोड़ा बहुत खाने पीने का सिस्टम होता है खा सकते हैं खाने को बट एक बार को यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है तो हम सिर्फ एक बार देख आए एटलीस्ट पता होना चाहिए आगे क्या है एक नज़र ज़रूर मार के आती याक्स हैं जिनके साथ लोग फोटोज़ करवाते हैं ये बैठी हुई हैं प्यारी प्यारी याक्स स्नो वो देखो यार अगर तुम्हें दिख जाए कैमरे में कैप्चर हो जाए तो सामने स्नो के पहाड़ स्नो इन द सेंस स्नो के पहाड़ नहीं पर पहाड़ पे स्नो मैं नहीं उतर रहा यहाँ से सीढ़ियां वो रही पागल नहीं हूँ हमारे दोस्त ने जाके खाया होगा 160 के 6 पीस मोमोज 160 के कौन से वेज ही होंगे और कह रहे बेकार मैं तो सुन के हैरान हो गया 25 रुपये पीस 30 रुपये पीस पड़ गया गलत है भाई इतना महंगा तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे और बेकार भी है ऊपर से बाकी ये है यू कैन सी दिस ये शायद से कल्चरल एंड फोक आर्ट म्यूजियम है हिमाचल का फाइनली मोमोज आर हियर दाल भाई चटनी गरम है यार बट स्वाद होंगे मेरे को यहाँ पे लगता है फ्रेश कोई नहीं भाई भूख पहले है हो जाएंगे 5-10 मिनट लेट खाने वाले हैं यम्मी अभी तो टूर एंड ट्रैवल पे बैठ के मॉल रोड है कम से कम 20 मिनट लगेंगे अगर बीच में गाड़ियां फंस जाती हैं जैसे देखो यहाँ पे फंस गई ऐसे दो गाड़ियां आमने सामने मॉल रोड पहुँच के कुछ खाएंगे यहाँ पे मोमोज खाए हैं जो सेटिस्फेक्शन मिल गई ना मोमोज खा के एक वो बस अच्छा हो गया थोड़ा बहुत पेट में गया ना तो सही है क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट ही कर रखा था उसके बाद कुछ खाया ही नहीं और व्लॉग थोड़े अगर आपको बोरिंग लग रहे हो तो भाई सॉरी उसके लिए लेकिन यहाँ मैं तो बेसिकली मनाली आपको दिखा रहा हूँ कि मनाली में क्या है हडिम्बा टेम्पल दिखाया आपको और ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगा फील आया जैसे लोग कह रहे थे जाम लग रहा है बहुत पब्लिक आई हुई टूरिस्ट है लेकिन ऐसे जाम वाला सीन कुछ नहीं दिखा हमें हम तो बिल्कुल शूट आए हैं गाड़ी पे बस पे एंड देन उसके बाद इजीली घूम रहे हैं हमें कोई ऐसा जाम वाला अभी तक तो कुछ हमारे साथ हुआ नहीं केस चलो भाई मॉल रोड फाइनली पहुंच गया है और काफी जम तो शहर जहद के बाद पीछे मैंने मन बना लिया अंशु पंजाबी ढाबा पे आके चिकन खाने का तो यार मॉल रोड पे राउंड ही काटे जा रहे हैं बहुत बड़ी मॉल रोड है इसमें मैं क्या ही दिखाऊंगा ऐसे देखो व्यू देख लो मॉल रोड का ये ऐसे
शॉप्स हैं, आगे कैफेज हैं टोटली। तू जॉनसन्स कैफे से कहां बालाजी रेस्टोरेंट ले आया? भाई एक्सप्लोर देखी जाएगी क्या? देखी जाएगी बाइक बाइक करते चलो। देखी तो नहीं जा रही, ट्राई करते चलो ना। खाना यही मिलेगा, खाना यही मिलेगा। मतलब तेरा पेज है तो कहीं भी खिला दे तू, तेरी वीडियो कंटेंट निकलना चाहिए। हाँ तू ये ना रीलो वाली आवाजें मेरे आगे मत बोल, मेरे को तेरी सच्चाई पता, तू हर जगह की प्रमोशन करता है। कौन है? हेलो जानता भी है कौन है, बिक जाओ भी है छोटी बहन है। हेलो आए आप ब्लॉग में हैं? क्या ब्लॉग में क्या बात पहले मीठा खा लेगा यार, तू कैसी बातें करता है यार कई बार। तुम लोग खा रहे हो गुलाब जामुन? मतलब तू खाना यही मिलेगा? कुछ भी चले। क्या हुआ है कृष्णा, क्या हुआ है? बेल्ट देगा था मैं, अच्छा भूल गया। हाँ तो अब मैंने कहा अच्छा दिखाओ, खोलने की बजाय तेरा लगा रहा है, फिर ऊपर मेरी टी शर्ट ऊपर कर रहा है। वो देखा मैंने आवाज मारी उसने जब बेल्ट से बट के गाने का, रुक जाना भाई तब जाके रुका रहा। मतलब बेल्ट डालने सरोजनी नगर फिर हंस रहा है, फिर हंस रहा है मसूरी का सरोजनी नगर। कुछ बढ़िया फ्राइड, यहाँ का ठंड में अच्छे मौसम में तो फ्राइड चिकन मजा आ रहा है। कम बैक टू आ गया आपका, एंड फ्राइड चिकन इज आल्सो हियर। बस सबकी होगी सॉफ्टी, अब आगे चलते हैं फटाफट और बाकियों के पास, क्योंकि वो वेजिटेरियन थे, वो वेज खा रहे थे। चलो भाई असेंबलिंग पॉइंट चलते हैं। ऐसे सच में मॉल रोड पे तो कोई बहुत मजा आया नहीं, क्योंकि देख रखी है पहले, एक वो भी बात है। कृष्णा ये बेल्ट लेनी है, बेल्ट देख। अरे नहीं भैया ने तो बताया था मुझे। अच्छा अरे भैया बात कर रहे हो, पिछली बार अभी मुझे 200 रुपए बोल रहे थे, अच्छे से बोल रहे, अच्छे से बोल रहे हो यार तुम तो ऐसी बात कर रहे हो। 150 रुपए दे दूंगा, बोल रहे 150 ठीक है ले जाऊंगा, एक छेद कर दो एक्स्ट्रा। क्या अरे बात कलर कलर की नहीं है यार, 150 ठीक है बताओ यार, ले दे दो आपका भी काम है हमारा भी लेनी है। अरे 150 ठीक है यार, चलो तो बात खत्म, 150 दे दे भैया। अच्छा हम भी 10 हम गरीब आदमी, हम भी तो कमाएंगे। अरे तो हमें भी तो लेनी है, गरीब है ऊपर करो थोड़ी ऊपर करो, मेरे लिए मैं कर दूंगा समझ गया, आपका टैट मिलेगा 200 टाइट ही चाहिए मुझे, 200 नहीं यार 180 रुपए ले लो, 180 ले लो ठीक है यार, अब दे दे ज्यादा छेद करना, कम नहीं पड़ने चाहिए, ज्यादा कर रहा हूं आपको कंटेंट मिल गया। मैंने यहां से चश्मा भी लिया था पता है, मेरे पास आज भी घर पे पड़ा है चश्मा, अगर मेरे घर वालों को याद हो तो यहाँ से चश्मा खरीदा था, याद है गोल वाला चश्मा, आज भी घर पे पड़ा है, शायद होगा भी दिखा दूंगा। हाँ और एक चीज करा ले, अभी भी है खड़ा है, सेफ्टी के लिए करा ले। यहाँ की मॉल रोड इतनी मजेदार नहीं है, जो मॉल रोड वहाँ की है ना भाई, शिमला की मसूरी की, वहाँ की मॉल रोड फिर मजेदार है, यहाँ की मॉल रोड पे गिच्चड़ बिच्चड़ बहुत है। ये मुझे लगता है मॉल रोड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ मिलता माल, हर बंदा कैश लोगे, हर बंदा दूसरा आके कैश ले नहीं, भाई तू कैश दे दे कोई दिक्कत नहीं। मैम बस नहीं आई, हम पहुंच गए रेडी होके, हो गया ओके मैम ओके मैम, हमने कर लिया। अरे यार ठीक है, बस 2-3 घंटा पहुंच तो 3 घंटे में जाएंगे, खड़े होना पड़ेगा 2-3 घंटा। हां मैम आप अभी लोगों को देखिए तो बस में बैठती हूं करके सब, और सब तो और क्या। हां चल के रहे, सुन भाई वो 4 बजे रेडी होंगे, अभी चल के रहे, रोहतांग पास का बता रहे हो ना 4 बजे रेडी रहने। अरे कॉफी बड़ी नहीं थर्मस में टेंशन ले रहे हो, अच्छा क्वेश्चन सर भी बैठे हैं सर मारो सर मारो सर, मैम ये पूछ रहा ऑप्शनल है, जो 4 बजे यहाँ रेडी नहीं मिला तो बात खत्म। तू अपने ग्रुप के पूरे कह रहा है, सब जाएंगे बंदे बता, 10 है भाई, ये 10 बंदे कह रहा है, 4 भी डन है भाई, पूरी 4 भी डन, 4 भी पूरी डन है मैम। ये कॉल है, अपनी व्लॉग बनाता हूं सर, यूट्यूबर है सर, तो व्लॉग तो अच्छे से लो यार, नहीं माइक एंड क्यों पकड़ो, नहीं नहीं नॉर्मल तरीके से थी। अच्छा ठीक है।
कल रोहतांग पास डन है, आइस फुल आइस स्नो। स्नोबॉल फेंकेंगे, स्नोबॉल पक्का पक्का पक्का। ये डन है, डन है। चलो सबसे पहले तो वो ए टू वालों के ये देखियो, जहाँ पे तूने अल्ट्रासाउंड वेव से तोड़ दी आवाज करता खौफ है, आवाज आवाज से डर गया भाई। ब्रो ये निशा मैम का बेटा है, निशा मैम का, निशा मैम क्यों ना। चलो आओ ऊपर आ जाओ, आ जाओ साथ आ जाओ। भाई नींद नहीं हुई भाई, एक घंटे की भी पूरी। डन है ना सर? मैं नहीं जा रहा बेटा, मैं रह रहा सर। रोहतांग पास तो चलना पड़ेगा, ये मजाक नहीं है। मैं आगे जा सकता हूं, देखो लगा आप रोहतांग में पास ही पर जा रहे हो बाकी हमारा। अरे भाई नहीं नहीं अब चल लो सर, कोई नहीं इतने मिनट ड्राइव कर दी यार, हमारे सब पास का ही अब चलना पड़ेगा सर। नहीं जेवी सर के बिना हम नहीं जाएंगे यार, मेरे ना यहां पे दर्द नहीं जाने की बात। श्योर श्योर श्योर, धीरे धीरे कराएंगे, पहले माहौल बने थोड़ा। हमें सुबह भी बना है सुबह तो नहीं नहीं सुबह तो 5 बजे उठ जाएंगे। दस पंद्रह मिनट स्टार्ट करो यार, फटाफट स्टार्ट करो। ठीक है, अगर तुम दोनों गाना भाई कॉम्पिटिशन करो। पेपर सीजर, ठीक है, स्टोन पेपर सीजर। यहाँ सारे उठे हैं ना, तेरे को ज्यादा जल्दी है। बस मैं ये बात बोली कि सोने दे और शांत शांत शांत। अरे ठीक है करो, 1.5 घंटे लग जाएगा नींद आने में। Hello. फिर तू कह रहे 1.5 घंटे में उठ जा, फिर तू कह रहे 1.5 घंटे में निकल जा, मत ही सो ना, बस में सोइयो ना। हेलो व्हाट इज योर नेम? हेलो चल स्टार्ट कर। हो भुला वाई शिके दे अंबरी उडारियां, सानू प्यार दिया चढ़िया खुमारियां। भुला वाई शिके दे अंबरी उडारियां, मैनू प्यार दिया चढ़िया खुमारियां, मैनू प्यार दिया चढ़िया खुमारियां। ओ मेरे पैर ना जमीन उत्ते लग दे, पैर ना जमीन उत्ते लग दे, लखा चश्मे मोहब्बतां दे वंग दे, राती मिठे मिठे सुफने भी ठग दे, ना गल मेरे बस दी रही। चले हेलो उसका हेलो नहीं कहता हूँ। हेलो बैठ रहे हैं भाई, बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या हो गया? चाय चाय लाओ, चलो चाय। चलो भाई डांट पड़ गई ऊपर टीचरों से, और हम बैठे हुए थे, 12:30 बज रहे हैं। तो भाई सबको बाय बाय टाटा गुड नाइट, रात के बज गए हैं 2, बस सो रहे हैं। वैसे सोने का प्लान था नहीं, क्योंकि सुबह 5 बजे रोहतांग पास के लिए निकलना है, तो 4 बजे तक तो हमें नीचे गाड़ी में बैठना पड़ेगा, उसके लिए 3 बजे उठना पड़ेगा। 2 बज चुके हैं, तो सोने का प्लान था नहीं, बट फिर भी सोच रहे हैं कि 1 घंटा तो आंखें बंद कर ही ले, क्योंकि 2 दिन हो गए सोए हुए, 2 दिन से सोए नहीं है। बस वो 10-10 मिनट की टूटी फूटी नींद बस में जो ली है, उसके अलावा सोए नहीं है। तो नींद लेनी तो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, 1 घंटा सोते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना,
और शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना क्योंकि फिर नोटिफिकेशन नहीं बजती और ब्लॉग मिस हो जाता है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल रोहतांग पास, याद से देखना, बर्फ ही बर्फ दिखेगी उसमें। बाय।